हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन माय एजुकेशनल चैनल। तो जैसा कि आप जानते हैं, पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था प्रजनन, अंडे की संरचना और अंडे कैसे विकसित होते हैं उसके बारे में। अब आज का हमारा टॉपिक है कीट। आज का मेरा टॉपिक है कीट। कीट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, कीट कैसे अपना वंश चलाते हैं और कैसे कैसे उनकी क्या प्रक्रियाएँ होती हैं उसके बारे में हम आज जानेंगे। तो हम सभी लोग जानते हैं, सबसे पहले हमने प्रजनन पढ़ा था। सभी जीवधारी अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए प्रजनन करते हैं, तो उसी तरह है, कीट भी होते हैं, कीट भी अंडे देते हैं अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए। बच्चों को जन्म देने से पहले जो क्रिया होती है वो अंडे देते हैं और अंडे विकसित होकर बच्चे बनते हैं। तो कीट भी अंडे देते हैं, लेकिन उनके अंडे क्या होते हैं, पक्षियों जितने बड़े बड़े नहीं होते। चींटी का अंडा आपने देखा होगा, पास पड़ोस से घर के पास में आपके चींटी निकलती होंगी, अंडे लेकर जाती हैं, तो उनके अंडे आपने देखा होगा कितने बड़े बड़े होते हैं। पक्षियों के अंडों के बराबर तो होते नहीं, होते हैं नहीं होते ना। हाँ, तो चींटियों के या अन्य जो कीट हैं उनके अंडे क्या होते हैं, पक्षियों के अंडों से छोटे होते हैं और वयस्क होने तक ये तीन अवस्थाओं से गुजरते हैं। जब तक ये कीटों से जो अंडे दिए हैं कीटों ने, वो जब तक बच्चे बनने की जो प्रक्रिया होती है, तब उसमें तीन बार का बदलाव होता है अंडे से और बच्चे के बीच का। क्या क्या होता है, अंडे से निकले शिशु को प्यूपा कहते हैं। जब अंडा टूटता है और उसमें से शिशु निकलता है तो उसे क्या कहते हैं, प्यूपा कहते हैं। इसका रंग रूप लगभग वयस्क कीट के समान दिखता है। वयस्क होने तक प्यूपा अपने कवच कई बार त्यागता है। जब तक वो वयस्क नहीं हो जाता, बड़ा नहीं हो जाता, उड़ने चलने के लायक नहीं हो जाता है, तब तक वो अपने कवच को, जो उसके ऊपर आवरण होता है, उसको कई बार बदल देता है। कवच के त्यागने को की क्रिया को निर्मोचन कहा जाता है। वो जो अपने कवच को बदलता है उस क्रिया को क्या कहते हैं, निर्मोचन कहते हैं। तितली एवं मच्छर जैसे कीट का जीवन चार अवस्थाओं से गुजरता है। वो कौन कौन सी चार सी अवस्थाएं हैं, सबसे पहला है अंडा, लार्वा, पीपा और वयस्क। अंडा, लार्वा, प्यूपा और कवच, तब जाके कीट तैयार होता है। सॉरी, कवच नहीं, वयस्क। फिर आपका कीट तैयार होता है ना। तो आइए जानते हैं तितली के बारे में। तितली कुछ दिनों के बाद अंडों से लार्वा निकलता है। तितली के अंडों के देने के बाद कुछ दिनों के बाद लार्वा निकलता है। तितली का लार्वा कैटरपिलर कहलाता है। तितली का लार्वा जो होता है उसे क्या कहते हैं, कैटरपिलर कहते हैं। यह पूर्ण रूपेण जब बड़ा हो जाता है तो यह प्यूपा बन जाता है। कुछ दिनों के बाद प्यूपा वयस्क होकर तितली बन जाती है। इसी तरह आपका मच्छर का भी जीवन काल है। उसके अंडे से और शिशु बनने तक की जो प्रक्रिया होती है सेम इसी प्रकार होती है। मच्छर का जीवन चक्र चार अवस्थाओं से गुजरता है, अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क। अब आइए जानते हैं उभयचर जंतुओं के बारे में। उभयचर जंतु क्या हैं और उनका जीवन कैसे यापन करते हैं उसके बारे में जानेंगे। उभयचर जंतु, सबसे पहले चीज तो उभयचर आप पढ़ चुके हैं और उभयचर जंतु क्या होते हैं उसके बारे में पुनः जान लें। उभयचर जंतु होते हैं जो जल और पृथ्वी दोनों पर रह सकें। ऐसे जीव जंतु जो जल और पृथ्वी दोनों पर निवास कर सकें उन्हें हम उभयचर जंतु कहते हैं। जैसे आपका मेंढक हो गया, कछुआ हो गया, मगरमच्छ हो गया, है ना, ये सब क्या हैं, उभयचर जंतु हैं। उभयचर जल में अंडे देते हैं, इनके से जल में रहते हैं। ये वयस्कों से भिन्न दिखते हैं, वयस्क स्थल पर रहते हैं।
मेढक एवं टोड एक बार में कई बार अंडे देते हैं। इनके अंडे जल में जब अंडे देते हैं तो इनके अंडे सुरक्षित रहने के लिए ये अंडों के ऊपर या आसपास उसके एक तरल जेली के रूप में होता है, जो जिससे इसके अंडों पर कोई नुकसान ना पहुंचे और ये जल में लगातार तैरते रहें। और ये अंडों को आपस में, जो जेली होती है, ये अंडों को आपस में टकराने से भी बचाती है, जिससे इन्हें पर्याप्त वायु मिलती रहती है और यह जंतुओं से अंडों की रक्षा भी करती है। अंडों को 2 सप्ताह तक सेने के बाद उसका आकार छोटी मछली के समान हो जाता है, जैसे टेडपोल जल में रहता है एवं धीरे धीरे उसका विकास वयस्क मेंढक के समान हो जाता है। अब आइए जानते हैं सरीसृप। सरीसृप क्या होते हैं? अगला है हमारा टॉपिक सरीसृप। सरीसृप क्या होते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। ऐसे जीव जंतु जो भूमि पर अपने अंडे देते हैं, कुछ अपने अंडों को बालू के नीचे दबा देते हैं, कुछ सड़े गले घास फूस के बीच अपने अंडों को छुपा देते हैं। ऐसे जीव जंतु जो जमीन पर अपने अंडे देते हैं और कुछ जीव जंतु बालू में अंडे देते हैं और कुछ जीव जंतु अपने अंडों को घास फूस में छिपा देते हैं। शिशु सरीसृप अपने माता पिता के सदृश दिखता है। जैसा उसका माता पिता होता है उसी तरह का उनका बच्चा दिखाई पड़ता है। जैसे छिपकली है, कछुआ है, सांप आदि क्या करते हैं? भूमि पर अंडे देते हैं। इनके अंडे सूर्य के ताप से सह जाते हैं। जैसे मुर्गी को आपने देखा कि वो अंडे देती है और फिर अंडे पर बैठकर उसे सहती है या उस पे जो अपने शरीर का तापमान होता है वो उस पे देती है। लेकिन इन सब सरीसृपों के जो अंडे होते हैं, इनके अंडों में तापमान कहाँ से मिलता है? सूर्य के प्रकाश से तापमान मिलता है। और उनके माता पिता उनकी देखभाल नहीं करते हैं। इन जंतुओं के कई अंडे अन्य जंतुओं द्वारा खा लिए जाते